इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आज वाला, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट नेम रिएक्शन का सबसे खतरनाक पॉइंट है। सबसे पॉइंट करेंगे इसके आगे वाला में, जहां तक लिखे हैं उसके आगे, एच वी जेड रिएक्शन। एच वी जेड रिएक्शन इसका फुल फॉर्म जो है वही नाम से पूछा जाता है, एच वी जेड रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है। एच वी जेड का फुल फॉर्म पहले लिखेंगे हेल वोलार्ड, वी ओ एल एच ए आर डी वोलार्ड। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? हेल वोलार्ड जेलिंस्की, जेड आई एल ई एन एस के वाई, जेलिंस्की रिएक्शन, ये पूरा नाम है हेल-वोलहार्ड-ज़ेलिंस्की, जेड आई एल ई एन एस के वाई। स्पेलिंग थोड़ा सा जेलिंस्की का मे बी थोड़ा ये नहीं डाउट होगा, क्योंकि ये स्पेलिंग मैंने मेहनत करके याद किया था कभी ना कभी। तो हेल-वोलहार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन नाम सुनने में ही थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये है आसान। इसमें लिखेंगे इन दिस रिएक्शन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ Br2 या ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सुनना, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट कन्फर्म द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन टू एल्केन। बट हियर वी हैव Br2 ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन को तोड़ेगा रेड फॉस्फोरस और वो ब्रोमीन अटैच होने चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। यही घटनाएं होंगी ना, लिखेंगे इन विच कॉमा करके Br2 रिएक्ट विथ रेड फॉस्फोरस इन विच देयर इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ब्रैकेट में H+ फ्रॉम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एट अल्फा पोजिशन। सुनना, अल्फा पोजिशन पे अटैक होंगे यहाँ पे। इसका मैं मैकेनिज्म करके भी बता दूंगा तुम लोगों को, है नहीं तुम लोग के सिलेबस में, लेकिन डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे देख सकते हो। जहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस आए, इंपॉर्टेंट होगा ध्यान देना दो चीज़ें, HI तो नहीं है, अगर ये Br2 है तब तो चलेगा, रेड फॉस्फोरस। Br2 टूटेगा Br में, Br से यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, COOH से तो कोई चीज़ें सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकती, लेकिन COOH एल्डिहाइडिक ग्रुप, COOH ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप अपने साइड में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो अगर यहाँ से H+ निकल के यहाँ निगेटिव आ भी जाता है तो ये विड्रॉ करके उसको स्टेबल करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यहाँ पे जहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप हो, या फिर NO2 ग्रुप हो, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, COOH ग्रुप हो, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन को रिएक्टिव बनाते हैं। ध्यान से देना, अल्फा कार्बन को रिएक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br और COOH जो रहेगा वो रह जाएगा, क्लियर। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा इसका, जैसे CH3CH2COOH है, सुनना इसका कैसे होता है ये भी मैं बता दूंगा बोलोगे तो। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, यहाँ पे CH3 अल्फा पोजिशन ही है ना, ये अल्फा ये बीटा है, तो CH यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा ना कि वहाँ पे जुड़ेगा, बीटा को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि बीटा से खींचने में इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, लेकिन बीटा से खींचने में दूरियाँ बढ़ जाएंगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा पे ही अटैक करेगा कभी भी, ठीक है। अब थोड़ा सा बातें कर ले इसका कि ये रिएक्शन आखिर हैपन कैसे हो रहा है। देखना, अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है CH3COOH, देखना ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे घटनाएं क्या होती है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और वी कैन से दैट यहाँ पे इनोलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है। इनोल जैसे ऑक्सीजन टॉटोमराइज होके इसका हाइड्रोजन ले लेगा अल्फा कार्बन का और ये बॉन्ड बना लेगा। टॉटोमरिज्म पढ़े थे ना थोड़ा बहुत, याद होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा पीछे जाके याद करो टॉटोमरिज्म क्या है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ थोड़ा सा, अगर मैं Br2 से रिएक्शन कराऊँ, सिंपल रेड फॉस्फोरस भी नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, OH सब्स्टिट्यूट बाई ब्रोमीन, यहाँ पे बन जाएगा CH3C(OBr). ये क्यों सब्स्टिट्यूट कराया सर, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा OH से। ये इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट करा के दिखाया क्योंकि इस रिएक्शन में
सुनना, ये इसलिए सब्स्टिट्यूट करा के दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा OH से, OH सब्स्टिट्यूट होगा ब्रोमीन से। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने ये वाले रिएक्शन देखे थे, सुनना, बेंजीन के ऊपर OH था, अगर हम लोग NaOH से रिएक्शन करा रहे थे किसी चीज़ के CO2 को, तो ये ONA बन जा रहा था, ONA मतलब H सब्स्टिट्यूटेड बाई NA, फिर लास्ट में NA सब्स्टिट्यूटेड बाई H, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो ये भी एक स्टेप में मैंने लिख के दे दिया कि मतलब ये भी रिएक्शन का पार्ट है। चलो अब यहाँ पे इनोलेशन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ये इंटरचेंज होते रहेगा, देखना दोनों साइड से एरो दिया हो, इनोलेशन कर सकते, इनोलेशन ठीक है, इनोल का फॉर्मेशन होता रहेगा। इनोल का फॉर्मेशन मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इसको टॉटोमेरिज्म के नाम से भी जानते थे, याद करना थोड़ा सा, टॉटोमेरिज्म के नाम से भी जानते थे, याद हो जाएगा थोड़ी देर में इसका टॉटोमेरिज्म क्या होता है, थोड़ी देर में अगर देखने होंगे देख लोगे तो, CH2 डबल बॉन्ड सी OH Br होंगे ना। अगर फिर से अगर हम लोग Br2 इंपर्जेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस दें, रेड फॉस्फोरस मतलब मोर रिएक्टिव Br2 दे रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन करेगा Br2 जाके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ Br2 क्या एक्ट करता है तुम लोग साफ साफ जानते हो सर, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये OH हो गया ना, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ, यही तो होगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, यही होगा, ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, मैं बस लिख के देता हूँ कि समझते रहो रिएक्शन कैसे भी होते हैं। अगर यहाँ पे फिर से हम लोग एक मोल CH3COOH को ले लें, तो यहाँ पे देखना C डबल बॉन्ड O, ये OH, OH इज न्यूक्लियोफाइल, हियर Br इज न्यूक्लियोफाइल, OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाई ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई OH, हियर ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई OH, यहाँ पे 2 मोल लेने होंगे, थोड़ा देखना यहाँ पे 2 मोल लेने होंगे, जैसे ही 2 मोल अपन लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको थोड़ा एरो को इधर घुमा देता हूँ क्योंकि दिखे नहीं इधर कहीं, तो यहाँ पे CH2Br COH तो है ही, ये दोनों Br हट के OH आ जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH तो रहेगा ही नहीं, 3 OH यहाँ आया तो H2O बन के निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH2Br C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा ना, 2 बॉन्ड टूटा है कार्बन का और एक OH जो है वो रह जाएगा, और फिर से ये जो है ये वाला पार्ट ये माइनस में लिखेंगे, माइनस 2 मोल ऑफ CH3COOBr, मतलब ये ऐसा ही पार्ट बन चुका है, बस इसको इनोलेशन करा के इसको फिर से CH3COOH में डालेंगे तो ये फिर से चेंज होकर यही प्रोडक्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी तत्काल के लिए रख लो, काम करेगा, ठीक।